इतना सारा ले आए हैं, बाप रे बाप, गुस्से में खिला रहा है क्या इतना सारा? किसी ने कहा था जलेबी बहुत बढ़िया होता है इसका। वीडियो चल देख ले भैया, हो जाए हमारा काम, निकलते हैं कुछ करने के लिए, बजाते हैं कुछ। नहीं नहीं, तो ये भी काम बहुत जरूरी था, ये बच्चे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे हमसे ज्यादा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। और मैं रीता मिश्रा अपने आरएम लाइफस्टाइल ब्लॉग में आप सबका वेलकम करती हूं। मैं आप लोगों के साथ अपना डेली लाइफ रूटीन शेयर करती हूं, और आप लोगों को मेरा जो ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक लाइक कमेंट शेयर मोटिवेशन का काम करता है, तो प्लीज़ 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 सपोर्ट। तो ये अब जो है दशहरा भी दिया, अभी दशहरा के ब्लॉग सब आ रहे थे, अब ये दिवाली की तैयारी शुरू हो गई। जैसे ही खत्म होता है दिवाली शुरू आ ही जाती है, तो अभी ये छोटे मोटे काम जो है ना छुट्टी वाले दिन में वो हम लोग शुरू किए हैं करना। तो आज मैं अपने पतिदेव जी को, अब पीछे आप लोग जो जुड़े होंगे ना तो पता होगा कि मैंने सोफा नया बनवाया था। अब सोफा नया बनवाया तो जो उन्हें लग रहा होगा पता नहीं क्या करवा रहे हैं, तो ये सोफा नहीं सेंटर टेबल का काम है। इसमें थोड़ी सी ना इसकी हाइट कम हो गई थी, तो थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करने में पेट दबता था, तो इसका थोड़ा सा हम लोग उसकी हाइट बढ़ा रहे हैं, और बाकी डिटेल फिर बाद में दिखाऊंगी। और ये हम लोग आ गए हैं यहाँ पे आज पूरे दिन, जो इनके साथ, मैं तो घर में रह के बाकी काम करवा लेती हूँ, जो मार्केटिंग का काम होता है ना वो थोड़ा मुझे इनके साथ चाहिए होता है, तो मैं इनके साथ अभी आ गई हूँ। थोड़े से टाइल्स लेने हैं मुझे घर के लिए, और क्या करूंगी आगे ये आप लोगों को वीडियो में शेयर करूंगी। तो अभी हम टाइल्स ढूंढने आए हैं, और पूरा माथा पच्ची हो रहा है, हम दोनों पति पत्नी में बहस हो रहा है जबरदस्त, तो आप लोग भी देखिए, आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो ढूंढते हैं पहले शॉप की, कौन सी शॉप में टाइल्स। बिल्कुल बगल में बोला है, इसमें बोला है बगल में, यही तो बगल में है, यही तो तीन चार दुकान हम लोग ढूंढ चुके हैं, और फाइनली कह रहे हैं कि नहीं कुमार वाले में मिलेगा जो चीज चाहिए हमें, तो हम कुमार वाला शॉप ढूंढ रहे हैं, और मैं पति देव के पीछे 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 पीछे, और फाइनली हमें कुमार ब्रदर्स की शॉप मिल गई टाइल्स की, और हम मंदिर में जा रहे हैं। और छोटा सा काम के लिए इतना माथा पच्ची करना पड़ा ना कि मैं बता नहीं सकती। हम लोग, एक तो हम लोग को दिल्ली का पता है कि दिल्ली की शॉप क्या है, कहाँ है, और यहाँ गाजियाबाद की शॉप पता नहीं होती है, तो हमें, मेरी फ्रेंड है मुझे उनको साथ लेके जाना पड़ता है, और बेचारी बहुत हेल्पफुल है, जब भी बोलती हूँ तो तैयार हो जाती हैं। तो ऐसे अब इसका गली में शोरूम है, वो मैंने एक तो फ्रंट पे भी है, और गोदाम जो है गली में बना रखा है, तो ऐसे पैदल चल के, बाकी स्पेसियस था और ठीक था। अब जो हमें अच्छे, जब क्या होता है ना, जब ज़रूरी होता है ना तो हम वो चीज़ नहीं ले पाते हैं जो जो सोच के जाते हैं, जो नहीं सोच के जाते हैं वही लेके आते हैं, तो वही हुआ हमारे साथ, तो वो सब आगे अभी दिखाऊंगे, और अभी बने रहिए। क्यों इतना हो रहा है खांसी? खांसते रहेंगे, खाते भी रहेंगे, उसी में पता नहीं क्या है। पानी है साथ में? जलेबी खाऊंगी मैं, इसलिए जा रही हूँ, थकी हुई हूँ लेकिन फिर भी मैं जा रही हूँ उनके साथ। मुझे कल जलेबी नहीं खिलाए थे, आज मुझे जलेबी खाना है, बस इसलिए मैं जा रही हूँ। सुन रहा है ना? नहीं, मैं जलेबी खाने जा रही हूँ। हाँ, ठीक है। तो ये मैं आ गई हूँ अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड फास्ट फूड में। तो यहाँ का ना बहुत, ये भी देसी घी में बनता है, इनकी सारी मिठाइयाँ वगैरह ना, जैसे कि हम सगुन का तो अक्सर मैं सगुन से ही लेती हूँ, लेकिन इसका भी कहा कि जलेबी बहुत बढ़िया बनता है, तो हम कहे चलो ठीक है, आज जलेबी वहीं से खा के आएंगे। तो ये देखिए गर्म गर्म जलेबी बन रही है, और बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी। तो पतिदेव जी बोले कि मैं गाड़ी से नहीं ले जाऊँगा, मैं स्कूटी से ही जाऊँगा। तो मैं स्कूटी से, मुझे बहुत डर लगता है भाई, बहुत ट्रैफिक होती है, और घुटने उठने मार दे तो डर के मारे मैं जाती नहीं हूँ, लेकिन चूंकि जलेबी खाना था और मान नहीं रहे थे तो मैं स्कूटी से ही आई हूँ, और उनकी बात कभी कभी माननी भी पड़ती है ना, क्या करें। और ये अंदर से जाकर टोकन ले रहा है, तब तक मैं थोड़ा सा शूट कर रही हूँ, आप लोग को लोकेशन दिखा रही हूँ। तो ये हमारे सोसाइटी से थोड़ा सा दूर है,
और बहुत अच्छा लोकेशन है, खुला खुला जगह है, बाहर में खुले आसमान के नीचे आराम से टेबल लगी हुई है और चांदनी रात में आराम से हम लोग वहाँ पे कुछ भी खाना खा सकते हैं। तो बाकी देखिए पीछे पूरा मार्केट है, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, मेन रोड है और यहाँ पे ये टेबल और कुर्सी लगे हुए हैं, सामने रेस्टोरेंट है और अच्छा है, सेम कोई ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं था, बस ठीक है। तो ये है लोकेशन, देखिए मैं बैठी हूँ आराम से और गोलगप्पे नेकी और कुछ कुछ मुझे पूछे कि क्या गोलगप्पे भी खाएगी, खा लेते हैं। मैंने कहा गोलगप्पे और नेकी और कुछ कुछ, जब तक पाँच मिनट तो होने दे, बहुत लाइन थी लंबी, मैंने जो थे ना डिलीवरी वाले उनको वो भी लाइन में लगे हुए थे। और तब तक देखिए और सब देखूँ क्या हो रहा है, तो यहाँ छोले भटूरे बन रहे थे गर्म गर्म, तो इसको भी मैं थोड़ा सा सूट कर ली, ये भी मन कर रहा था खाने के लिए, लेकिन अभी मैं क्या करती हूँ, खाती हूँ कि नहीं खाती हूँ, तो ये भी अभी आप लोग को थोड़ी देर में पता चलेगा, बने रहिए। पहले गोलगप्पे एंजॉय कर लें, मैं बोली पति देव जी को आप भी खा लीजिए, लेकिन वो मना कर देंगे ना, नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा, लेकिन एक पीस शायद मैं ज़बरदस्ती टेस्ट करवाई थी, बाकी तो मैं अपना गपा गप खा ली गोलगप्पे, बहुत उतना ज़्यादा मुझे टेस्टी नहीं लगा, लेकिन ठीक था, काम चलाऊ था। 20 रुपये में 4 है तो 4 का क्या है, 4 तो ऐसी एक उनको दी, 3 मैं खाई, तो क्या होता है इससे। चलिए अब जलेबी टेस्ट करते हैं, इतना सारा ले आए हैं, बाप रे बाप, गुस्से में खिला रहे हैं क्या इतना सारा, लग रहा है कल का जुर्माना है, तो इतना कौन खाएगा, गर्म है यार, 250 ग्राम बहुत होता है। किसी ने कहा था जलेबी बहुत बढ़िया होता है इसका। अच्छा जलेबी खाने के बाद ना फिर ये समोसा चाट मंगा लिए थे। एक्चुअली मैं भी ना बहुत इस समय ना थोड़ा लग रहा था कि अभी इतना सारा जलेबी खा ली हूँ, थोड़ा नमकीन भी खा लेना चाहिए, और रात में कौन खाना बनाएगा, इसी से तो पेट भर गया, तो थोड़ा सा उनका पेट खाली ना रहे, तो उन्होंने कहा कि समोसा चाट खाएगी, हम लोग खा लेते हैं। चलिए तो इसके कारण ना मुझे रात में खाना नहीं बनाना पड़ा, तो ये भी टेस्ट किए, बाकी समोसा चाट उतना बढ़िया नहीं था, बस सही से साफ साफ बताएं। जलेबी लेकिन बहुत मस्त था, बहुत मस्त था, जैसा सुनी थी वैसा ही है। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का फिर से स्टार्ट है, गुड मॉर्निंग आप सबको। तो ये मैं जो सब्जी लेके आई थी, तो वहाँ पे मूली लेके आई थी और बैंगन लेके आई थी, तो मूली वाले के पास ना 40 रुपये का दिया आधा किलो मूली, तो मैंने कहा इतना महंगा है भाई, मूली भी इतनी महंगी हो गई है, 80 रुपये किलो आजकल ऐसी मिल ही रही है। तो मैं उसके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा साग पड़ा हुआ था, मैं बोली भैया क्या करोगे इसको, तो बोला कि किसी काम का नहीं है, किसी को नहीं ले जाना था तो छोड़ दिया था, हमने कोई बात नहीं आप मेरे को दे दो मैं यूज कर लूँगी। तो ये देखिए बैगन को पतले पतले काट के ऐसे, और ये मूली के पत्ते को भी बढ़िया से काट कूट के धो के, और इसकी भुजिया बनाऊंगी, बहुत बढ़िया यम्मी सा होता है, और बिल्कुल सिंपल है, काटने में जो टाइम लगता है लगता है, और बाकी फटाफट बन जाता है, जब तक आटा उटा गूंथेंगे ये भुजिया तैयार होगी। ये देखिए सरसों तेल डाली हूँ, और इसमें सरसों तेल गरम कर होने के बाद ही ना इसमें कोई भी फोरन डालिए, तो इसमें मैं थोड़ा सा हरी मिर्च और लहसुन खाते हैं तो लहसुन और थोड़ा सा पचफोरना डाल दीजिए, तो सारा कुछ मेरा हाथ में आटा लगा हुआ था तो प्लेट में डाल के मैं एक बार इकट्ठा डाल दी। और पहले बैगन, थोड़ा सा बैगन को ना उसको करेंगे फ्राई करेंगे, और बैगन जब भी आप बनाएं ना तो बिल्कुल हाई फ्लेम पे बनाएं, लो फ्लेम पे बनाने के बाद ना हम लोग क्या कहते हैं ना उसको, पता नहीं क्या इंग्लिश में उसको कहेंगे मुझे नहीं पता, वो मसुआ जाना, मतलब कि वो पकेगा नहीं ना, पकता नहीं है, बिल्कुल अजीब सा भीज जाता है, तो वो टेस्ट नहीं आता फिर, तो एकदम हमेशा हाई फ्लेम पे करना चाहिए। उसको भून के उसके बाद इसमें साग डाल दी हूँ और नमक हल्दी डाली हूँ, बस कुछ नहीं किया, खाली नमक हल्दी डाल के, और इतना बढ़िया हो गया। और टमाटर महंगा है तो नहीं डालिए टमाटर, मैं नहीं डाली थी टमाटर भी कितने महंगे हो गए, मर्जी है तो डालिए, नहीं मर्जी तो नहीं डालिए। कितना हरी सब्जी, कितना यम्मी सा बन के तैयार है, और मुझे आज फटाफट तैयार होना है कहीं, तो अब तैयार व्यार होके बहुत दिन के बाद ना किट्टी का थोड़ा सा डालूंगी, कितने महीनों से किट्टी का नहीं डालती हूँ, ऐसे भी मैं इस बार ना एक ही किट्टी में हूँ, ज्यादा पिछली बार तो 3-4 किट्टी में थी, तो हर हफ्ते एक किट्टी होता था, तो मैं कहीं नहीं भाई बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इस बार बस एक ही किट्टी डाली हूँ, और बहुत दिन के बाद जा रही हूँ, तो आज ये ड्रेस पहनी हूँ, आपने पहले भी देखा होगा, कोई नया नहीं है, तो ये मुझे ना बहुत कम्फर्टेबल लगता है, मैंने कि इसमें क्या कहते हैं कॉटन नहीं है फैब्रिक, लेकिन फिर भी कंफर्टेबल रहता है, और इसका ये लुक ना बहुत अच्छा आता है, यहाँ स्लिप्स पे है, और इसके साथ में इसमें दुपट्टा भी है, तो ये दुपट्टा डालूंगी, और ऐसे देखिए इसमें
भी ये जड़ी का ये काम किया हुआ है, तो ये अच्छा लगता है मुझे। और ब्लू इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसके बाद आने के बाद एक है हमारे सोसाइटी में, तो उनके यहाँ ना कान्हा जी का बर्थडे है, उनका उनका कान्हा जी का बर्थडे है, तो उसमें आना है और उन्होंने रखा है ब्लू थीम। तो मैंने कहा चलो एक पन दो काम ब्लू पहले ही से पहन लेती हूँ, उसमें भी काम आ जाएगा इसमें भी काम आ जाएगा। बस बाल थोड़े से गीले थे तो बस खाली ऐसे टिकटॉक वाली एक पिन लगा ली हूँ यहाँ पे पीछे, और ये कान में देखिए ऐसा लड़ ये रिंग पहनी हूँ, थोड़ा सा सिल्वर और ये जो है ना रेड कलर में थोड़ा है। मैंने कहा थोड़ा सा कंट्रास्ट पहन लूँ, ब्लू 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 अब ना वैसा थोड़ा सा कंट्रास्ट चल रहा है, तो ऐसे ही डाली हूँ और कैसा लग रहा है बताइएगा। और ये ब्लू कलर का करा था तो ये डाल ली हूँ, नौ पहले से मैंने था मेरे पास तो यही डाली हूँ और सिंपल सा। और ये क्लच है साथ में ये गोल्डन, मैंने कहा चलो थोड़ा इससे तो मैच करता हुआ कभी कभी ना ऐसे, नहीं तो मैं तो ऐसे करके टांगने वाला ही रखती हूँ, मुझे वो कंफर्टेबल रहता है, मोबाइल डालो कुछ भी डालो और आराम से टहलने निकलने में देरी, इसको ऐसे करके टांगे रहो। लेकिन कोई बात नहीं, किटी में ही जा रही हूँ तो वहाँ कुछ करना होगा नहीं। और साथ ये एक सिल्वर कलर का क्लच रख ली हूँ कि फिर गर्मी उर्मी लगेगा तो लगा लूँगी बालों में। तो चलिए ठीक है, चलते हैं किटी में। और अब दिवाली की इतनी सारी तैयारियां हो रही है तो टाइम तो ऐसे निकल रहा है कि पहले नवरात, उससे पहले श्राद्ध वाला जो था उस टाइम में जितिया उतिया का व्रत आया था, फिर इतनी सारी सुंदरकांड का ये सारी चीज़ें चल रही है मेरी लाइफ में, बिजी हूँ फुल बिजी हूँ, और इस बीच में ये सब कार्यक्रम भी हो जाता है। तो चलिए दिवाली की तैयारी तो हो रही है अब, तो वो भी दिखाऊंगी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, मिलते हैं। तो आके यहाँ पे खूब सारे हम लोग गेम खेले और मैं इस बार गेम भी जीती और करीब बहुत मज़ा आता है, तमोला में भी जीती और ऐसे भी एक गेम में जीती। तो गेम में 50 रुपये भी जीतूँ ना तो बहुत खुशी होता है, ऐसे में 200 से ऊपर ही जीती थी मैं, तो बहुत अच्छा लगा। और खाना पीना खाए इसी बहाने, थोड़ा सा फ्रेंड घर में काम वाम होते ही रहता है, इस बहाने थोड़ा सा लोग अपने लिए टाइम निकालता है, थोड़ा अपने दोस्तों के साथ थोड़ा इन्जॉय करता है। और किटी हम लोग के लिए एक तरह से बस यही है कि थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाता है, कहाँ इतना टाइम है कि किसी के यहाँ कोई आए, तो बहुत कम होता है ऐसे मौका। और इस तरह ना मुझे अच्छा लगता है, अलग अलग कहीं जाना हो एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, अलग अलग रेस्टोरेंट में कि कहाँ क्या खाना है, क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, तो ये सब बहुत अच्छा लगता है। फिर शाम को बताई थी ना कान्हा जी का जन्मदिन है उनके कान्हा का, तो यहाँ पहुँच गई हूँ और आप लोग थोड़ा सा भजन वगैरह सुनिए। वीडियो चल तो मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, और आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ दिवाली आने वाली है, मैं बहुत कुछ चेंज करने वाली हूँ अपने घरों में, तो आप लोग को भी आइडिया कुछ मिलेगा, तो आप लोग जरूर जुड़े रहिएगा और मेरा वीडियो देखते रहिएगा और ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। और अपना भी ढेर सारा ख्याल रखिए, अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक यू।